माई चैनल। आज बार बुधवार इवनिंग टाइम है। याशी की मम्मी अभी मेरे पास याशी को छोड़ के गई। याशी संदीपन पीछे साफ सफाई का काम कर रहा है। चलो वहाँ पर चलते हैं। एक्चुअली हमारा जो न्यू होम होगा तो यही है, मतलब इसके नेक्स्ट वाला जो घर है यही होगा। मैं डिटेल से दिखाऊंगी। याशी को लेके वीडियो करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो घर देख रहे हो, संदीपन है वहाँ पर। ये घर ही हम लोग ले रही हूँ, बहुत दूर नहीं जा रही हूँ। बीच में एक बॉर्डर है, बाकी सेम रूम सेम मतलब सब कुछ है। मैं घर का एक दिन डिटेल्स में मैं शूट करूँगी, मतलब रूम टूर करूँगी, खाली रूम। और यहाँ पे बर्ड्स आ रहा है जा रहा है। इसका अंदर ना बच्चा दिया, इसका बच्चा हुआ, आवाज दे रहा है। हमारा जो नया गार्डन उसके साफ सफाई का काम चल रहा है। और यहाँ पे दो तीन पेड़ भी है अच्छा अच्छा फ्लावर का। चलो घर को मैं लॉक करूंगी और संदीपन के पास चलते हैं। डॉग याशी देखो, डॉग डॉग आ गया। तो ये हमारे घर है और ये वाला घर जो हम लोग अभी ले रही हूँ। और यहाँ पर फ्लावर प्लांट है, गुड़हल का एक फ्लावर, कृष्णचूड़ा जो रेड कलर का ऊपर में फ्लावर है, माधवी लौथा, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है। और ये करवा नीम का हो गया था अंदर, तो उसे हटाना ज़रूरी है। और गार्डन का साफ सफाई भी करना होगा, तो हम अच्छे से करेंगे यहाँ पर गार्डन वगैरह। तो संदीपन ये साफ सफाई का ही काम कर रहा है। অনেক বড় হয়েছে গাছটা, এটা তুলসি। আচ্ছা ইয়ে তুলসা জি কা হ্যাঁ। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, अनार का पौधा है जो उखाड़ के फेंक रहा है। वो जड़ उसका मोटा हो गया और उसको काटिंग कर करके दो तीन साल से, मतलब इन घर में जिन लोग रहते थे पहले वो लोग काटिंग कर करके फेंकते थे, तो जड़ नीचे से मोटा हो गया और ऊपर से दो एक टहनियां ही बचा हुआ था। तो उसको उखाड़ के फेंक रहा है क्योंकि हमारे ना अनार का पौधा घर में नहीं रखते, हमारे कल्चर में पता नहीं क्यों बोलते, तो इसीलिए उखाड़ के इसको फेंका जा रहा है। याशी ये है हमारा नया होम का दरवाजा, मेन दरवाजा यहाँ पर ही है। मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी जैसे मैंने कहा, है ना याशी। साफ सफाई कंप्लीट हो गया, ऊपर जो घास पत्ती था सब साफ कर लिया। बस अभी एंड में कुछ कचरा वगैरह है, फेंकने जा रहा है संदीपन। क्लीन हो गया, अच्छे से गार्डनिंग वगैरह करेंगे। और हमारा ये घर का बेनिफिट ये मिल गया, यहाँ पे बड़ा सा पेड़ मिल गया ना, पहले से छाव मिल गया। जैसे इसी घर का एक सहजन का पेड़ मैंने लगाई थी, उसके चलते ही नीचे नीचे छावा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा सनलाइट आते है इसी घर में, और इससे थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ये बड़ा सा पेड़ है। हाँ अब मैंने ये चाय बना रही हूँ। संदीपन बाहर बैठ के फोन और म्यूट करके टीवी दो ही एक साथ देख रहा है। यहाँ पर मेरा चाय हो रहा है, अभी थोड़ी देर इसको बॉयल करूंगी। हो रहा है बॉयल कुछ देर से, अभी भी थोड़ा मतलब करक बनाने के लिए और थोड़ा बॉयल करना पड़ेगा।
बाहर अभी अंधेरा तो नहीं हुआ, मैंने ये लाइट जला दिया, मस्त लगता है मुझे। और आज सारा दिन बारिश होते होते अभी इस टाइम बहुत ज्यादा उमस बढ़ गया, तो पसीने के प्रॉब्लम इस टाइम आ रहा है। नहीं तो पूरा दिन ठीक ठाक वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी चाय पियेंगे हम लोग, अभी मन हो रहा था। आज मैं सुबह से ही मुझे मतलब मन हो रहा था पीने का, पर हुआ नहीं। लो चाय रेडी। दाल को मैंने छौंक लगा दिया, उड़ाद के मैंने दाल बनाई। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, जो भरता बनाऊंगी आलू का, ये मिर्ची भी फ्राई कर लिया, और ये मैं बाद में बनाऊंगी। एक्चुअली संधिवन से मैं बनवाऊंगी, क्योंकि मैं मिर्ची में हाथ नहीं लगाऊंगी, और लगाती भी हूँ तो मतलब तुरंत मैं हाथ धोती हूँ, और इसको तो मसलना होगा, तो ये तो संधिवन से मैं करवाऊंगी। यहाँ पर मेरा राइस भी हो गया, और अब चलो संदीपन कहाँ पर है देखते हैं। तो वहां पर है संदीपन, अभी संदीपन प्लम्बर बन गया है ना। चलो गेट को लॉक करके जाती हूँ, एक्चुअली सप्लाई आ रहा है, कुछ कनेक्शन में गड़बड़ हो रहा है।
पता नहीं संदवन को कितना देर लगेगा। छोड़ती हूँ ना उसका अंदर मतलब आधा टूटा हुआ बाहर निकल गया और आधा उसके अंदर रह गया, तो बहुत टाइम लगेगा उसको निकलने में। हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता है, पता नहीं कब होगा। संदवन का होगा तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा। फैन चला लेते हैं, गर्मी हो रही है बहुत तेज। तो गाइज आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइज। तब तक के लिए बाय दोस्तों, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना, ओके। और मेरे चैनल पर अभी किसी नया फ्रेंड आए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ही करना, ठीक है। आज के लिए टाटा एंड गुड नाइट, बाय।